हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से हम लोग जो हमारा नंबर चार होता है, जो संख्या चार है, उसके जितने मर्जी मल्टीपल्स जिसको हम गुणज कहते हैं, उनको हम चुटकियों में किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि जो हमारा संख्या चार है उसके जो प्रथम 12 गुणज है उनका योग निकालने वाले हैं, उनका सम निकालने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बना के दिया था जिसका यूज करके हम लोग किसी भी नंबर का जो सम है, जितने मर्जी मल्टीपल्स हो, वो निकाल सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आया हूँ। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग चुटकियों में जितने मर्जी मल्टीपल्स हो उनका सम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू 2n into n plus 1, ये हमारा फॉर्मूला है, यही आपने यूज करना है। ठीक है, आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूं, 2n into n plus 1, ओके? फॉर्मूला वही है जो बुक में दिया है, बट मैंने इसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया है और ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। ठीक है, अब n हमारे पास दिया है 12। जब भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने, हमारे को सिर्फ n चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं S12। ठीक है, तो S12 लिखना, फॉर्मूला सिर्फ n की वैल्यू डालनी, तो 2 × 12 × 12 जो आएगा, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, ये हो गया 24, ये हो गया 13, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 × 13 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 24 × 13 ये हमारे पास आ गया 312। ठीक है, तो 312 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो जो हमारा चार है उसके जो फर्स्ट 12 मल्टीपल्स है, जो 12 गुणज है, उनका योग है 312। ओके, और ये एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, आपने सिर्फ ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू 2n × n+1। अगर आपके पास चार दिया ना कि चार का जितना मर्जी मल्टीपल निकालो, आपने फॉर्मूला यही यूज करना है चार के लिए। अगर बोला जाए 4 के 20 मल्टीपल निकालो, 4 के 100 मल्टीपल निकालो, 4 के 99 मल्टीपल निकालो, जितना मर्जी बोले, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज होगी। ओके, और मल्टीप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आपको अगर एक साइड भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को आपने पूरा देखना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो।